199 सीटों पर वोटिंग जारी है सुबह 7 बजे से। और वही मतदान करने पहुंचे हैं प्रताप सिंह खचरियाबास अपने परिवार के साथ। वोटिंग रूम में वो मौजूद हैं पत्नी के साथ और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और प्रताप सिंह खचरियाबास ने अपना वोट डाल दिया है और वो बाहर भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए अपने अपना वोट डाल चुके हैं मंत्री प्रताप सिंह खचरियाबास और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद वो बाहर आए हैं। यहां पर सेल्फी भी लेते हुए दिख रहे हैं। कर दिया है आपने, क्या कहेंगे वोट को लेकर और इस पूरे चुनाव को लेकर? देखिए चुनाव हमारे लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र का जो मंदिर है उसमें चुनाव हमें ताकत देता है, हमें विश्वास देता है और चुनाव से ही तो लोकतंत्र जिंदा हुआ है। चुनाव में जब वोटिंग होती है तो लोगों में उत्साह होता ही कि हम जो भी व्यक्ति मेरी आवाज सुन रहा है सब लोगों से अपील करूंगा, पार्टी बाजी से ऊपर उठिए, कैंडिडेट को देखिए, काम को देखिए। काम और राम कांग्रेस की सरकार के साथ है। राजस्थान एकमात्र स्टेट है जहां 50 लाख तक का इलाज फ्री है। दुनिया में मॉडल है मेडिकल का, दुनिया में मॉडल है रोजगार का। सच्चाई और ईमानदारी के साथ कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर उठकर काम के आधार पर वोट करना चाहिए। जिसको आप पकड़ सकते हैं, जिसके साथ खड़े होकर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, आप जिसको जानते हैं पहचानते हैं, जिसका घर जानते हैं, जिसका फोन करने से, जिसको फोन करने से उसका फोन उठता हो, ऐसे लोगों को मत चुनिए जो ये कहते हैं हमारे निशान को वोट दो, हमारे नेता को देखो। हम ये कह रहे हैं, मैं खुद ये कह रहा हूं कि प्रताप सिंह खाचरियावास को देखो, प्रताप सिंह खाचरियावास के काम को देखो और फिर वोट करो। मेरे वोट की जिम्मेदारी मेरी है, मैं मरकर भी मेरे वोट के धर्म को निभाऊंगा क्योंकि मैं कछावा वंश का क्षत्रिय भगवान राम का वंशज हूं। कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वचन मेरी ताकत है, वचन मेरा विश्वास है, वचन मेरा संकल्प है और वचन के दम पर मैं कांग्रेस की सरकार से भी लड़ूंगा, बीजेपी की सरकार से भी लड़ूंगा, लेकिन वोटर के सम्मान को निभाऊंगा। जब जयपुर के 2 टुकड़े हो रहे थे, जयपुर उत्तर दक्षिण हो रहा था, तब प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा था कांग्रेस की सरकार का ये फैसला मुझे मंजूर नहीं है। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होते हुए खुलकर बोला, बीजेपी नहीं बोल पाई। और जब स्टेट की बात हो तो दोनों पार्टियों के काम को देखना चाहिए और ऐसे कैंडिडेट देखने चाहिए जिनको थोप दिया गया है। आप बताइए हालात ये, जयपुर में ऐसे ऐसे कैंडिडेट उतार दिए जिनको बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं जानता, जिनको बीजेपी के नेता नहीं जानते, जनता नहीं जानती, घर नहीं जानती। इतना घमंड है बीजेपी को कि हम तो किसी को भी भेज देंगे, तो आप पत्थर को भेज दोगे तो पत्थर से सर फोड़ देंगे लोग। ये पाप है, विकास के नाम पर वोट जा रहा है और विकास के नाम पर लोग पंजे का बटन दबाएंगे और जब विकास जीतेगा तो सुदर्शन चक्र वाला आशीर्वाद देगा। सबसे कहूंगा पाप और पुण्य में यदि हाथ के निशान का बटन दबाओगे तो पुण्य मिलेगा। मैं कह रहा हूं मैं कोई संत नहीं हूं, लेकिन किसी संत से कम नहीं हूं।